डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, मतलब स्वीट डिश शेयर करने वाली हूँ, और वो भी पहाड़ी स्टाइल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ झुंगेरे की खीर बनाने जा रही हूँ, और जिसे बोलते हैं, जैसे पहाड़ों में होता है झंगूरा। जो यहाँ पे मेरे पहाड़ी मेरे भाई बंधु मुझे देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा कि झंगूरा मैं किस चीज़ के लिए कह रही हूँ। और अगर उसे यहाँ पे हिंदी भाषा में बोला जाए तो उसे बोलते हैं सामक के चावल। और सभी को पता होगा सामक के चावल फास्ट में भी, मतलब ये फलाहारी होता है और इसे फास्ट में भी खाया जाता है। जैसे कि कुछ जब हम फास्ट वगैरह रखते हैं नवरात्रि वगैरह में, तो उस समय भी उसे खाते हैं सामक के चावल। तो उसी की मैं आज खीर बनाने जा रही हूँ, और पहाड़ी स्टाइल में बनाएंगे झंगोरे की खीर। तो चलिए आप सबके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी किस तरीके से बनाते हैं। चलिए मैं खीर बनाना करती हूँ यहाँ पे स्टार्ट, और मैं आपको बताती हूँ खीर बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीजें ली है यहाँ पे। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज से खीर बनने वाली है वो है यहाँ पे झंगोरा, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से होता है, दाने दाने टाइप का, इस टाइप का हाथ से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके का होता है, और ये है झंगोरा, और इसे सामक के चावल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले खीर इसी चीज़ की बन रही है, तो सबसे पहले मैंने ये लिया है। इसे मैंने मतलब दिन में भिगो दिया था, और अभी डिनर टाइम हो रहा है हमारा, तो मैं डिनर के लिए बना रही हूँ खीर। और ये ली है मैंने यहाँ पे चीनी। चीनी मतलब हम अपने टेस्ट के अनुसार लेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग हल्का मीठा पसंद करते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से ली है। और बाकी मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए इसमें, ये काजू है, और ये है किशमिश, और ये गोला का बादाम नहीं मिला मुझे, तो ये सब चीज़ें जो घर पे थी वही मैं डालूंगी इसमें। और बाकी ये रखा है मैंने यहाँ पे दूध खीर के लिए, और ये है फुल क्रीम वाला मैंने दूध लिया है। बाकी आप जैसा भी मैंने खीर बनाने के लिए गैस पे पहले कढ़ाई रख ली है, और नॉन स्टिक वाली कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई हमारी अच्छी नहीं है, इसमें जब हम कुछ और चीज़ें बनाते हैं तो वो चिपक जाता है, तो मैंने कहा ये खीर बनाने के काम आएगी, क्योंकि खीर मतलब पानी में हम पहले इसे पकाएंगे झंगोरे को, तो लिक्विड चीज़ें नहीं चिपकेंगे इसमें, इसलिए। तो गैस पे कढ़ाई रखती है, उसके बाद जो ये सामक के चावल है मतलब झंगोरा है जो, इसे मैं डाल दूंगी यहाँ पे। और मैंने इसे दिन में धो के अच्छे से दो तीन बारी धो लिया था, उसके बाद मैंने ये पानी है जो इसको मैं यही इसी में डाल दूंगी, और झंगोरा भी हम यहाँ डाल देंगे। तो ये है पहाड़ी डिश झंगोरे की खीर। तो जो लोग मुझे गढ़वाल से देख रहे हैं या फिर गढ़वाली जो भाई बंधु देख रहे हैं, तो उन लोगों ने तो झंगोरे की काफ़ी सारी डिश खाई होंगी, क्योंकि इसके चावल बनाओ, इसे कड़ी में भी खाते हैं, और इसकी एक दिन मैं बिरयानी भी बनवाऊंगी, मतलब वेज बिरयानी बनाएंगे हम, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल अभी मैं इस खीर बनाने जा रही हूँ। तो जैसे दिन में मैंने ये भिगो दिए हैं, तो ये मतलब इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब मुझे, हल्का सा मतलब एक दो बॉईल आने दूंगी मैं, जब ये थोड़ा सा हल्का सा पक जाएगा तब हम इसमें दूध वगैरह ऐड करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं। तो थोड़ा टाइम हो गया, यानी कि पाँच मिनट से थोड़े ऊपर टाइम हो गया, 5 मिनट से ऊपर हो गया है, तो एक बार हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ये थोड़ा पकने लग गया है, और इसमें पानी की मात्रा है जो कम है, मतलब कम हो गई है। तो एक बार मैं पहले से चेक कर लेती हूँ, ऐसे चेक कर लेंगे हम ना। ये देखिए थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा और पकना है इसे, थोड़ी देर और पकने देंगे हम इसे, क्योंकि ये अभी अच्छे से जैसे मैंने पिचकाने की कोशिश की तो अच्छे से पिचक नहीं रहा है, तो यानी कि थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं इसमें। थोड़ा सा चला दूंगी और बस इतने में पकी जाएगी। तो चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं और देखते हैं पका या नहीं पका अभी भी झंगोरा। तो ये देखिए इसने अब सारा पानी सोख लिया है झंगोरे ने, तो आई अब ये पक ही गया होगा, और मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा से।
आप देखें अब ये बिल्कुल अच्छे से पिचक रहा है, यानी कि दब रहा है। तो अब ये पक गया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। दूध मैंने रखा है, ये मैंने बॉइल्ड दूध रखा है, ये मैं जब लेके आई थी तो ये फुल क्रीम है। और अब मैं इसे डाल दूँगी। डाल दिया जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और अब दूध डालने के बाद, मतलब थोड़े टाइम बाद, एक दो मिनट बाद, अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। पहले मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ चीनी, फिर उसके बाद देखेंगे अगर कम लगेगी तो फिर डालेंगे दोबारा से। ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो अब मैं डालूंगी इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में जो मैंने काजू लिए हैं, मैं इनके थोड़े पीसेस कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस खीर बन गई है, अच्छे से उबाल आ गए हैं इसमें दूध डालने के बाद, चीनी डालने के बाद दो तीन बार उबाल आ गया है। तो अब मैं डालूंगी इसमें ड्राई फ्रूट्स। अच्छे से चला देंगे और खीर बनके हो गई है रेडी। ये देखिए, ये है पहाड़ी स्टाइल में खीर। वैसे तो देखिए नॉर्मली मतलब दलिया, सेमिया और चावल की खीर बनती रहती है हमारे घर पे भी और आप सभी लोगों के घर पे भी बनती होगी, लेकिन आज मैंने पहाड़ी स्टाइल में झुंगेरे की खीर बनाई है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी खीर। रेडी और मैं सर्व कर रही हूँ, तो बाउल में निकाल लेते हैं पहले। और आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा पहाड़ी स्टाइल में झुंगोरे की खीर। कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर ज़रूर करें प्लीज़। न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।